नमस्कार, सीधे चीन के बीजिंग से आज आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ गर्मजोशी से रिश्तों को आगे बढ़ाया है। 24 अहम मुद्दों पर अगर समझौते हुए हैं, इसी के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की पहल हुई है, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि तमाम ऐसे मुद्दे भी रह गए हैं, ऐसे अनछुए पहलू भी रह गए हैं जिनकी वजह से हमेशा ही दोनों देशों पर अविश्वास मंडराता रहा है। भारत और चीन के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा और ताइची से जोड़ दिया। सिर्फ औपचारिक कूटनीति करने के लिए वो चीन नहीं आए हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी एक कोशिश है कि दिलों को जोड़ा जाए, और वाकई योग के जरिए दिलों को जोड़ने में वो कामयाब भी दिखे। बच्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के रिश्तों की एक झलक देखी। हिंदुस्तान का योग और चीन की ताइची का मिला जुला रंग मोदी के सामने दोनों देशों के संबंधों पर चमक रहा था। हमारे बीच में एकता का सूत्र जितना मजबूत होगा, उतनी ये जो हैवन की कल्पना है मानव जात के लिए साकार। चीनी मूल के बालक योगा कर रहे हैं और भारतीय मूल के बालक ताइची कर रहे हैं। ये अपने आप में सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम हमें मिला है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। बच्चों के बीच बच्चा हो जाना कूटनीति की किताब में जुड़ा एक नया पाठ है जिसका इजाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिलों को जोड़कर मोदी रिश्तों की कड़ियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। योग से रोग मुक्ति भी होती है, योग से भोग मुक्ति भी होती है, और इसलिए संकट की घड़ी से गुजर रहा मानव मन विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसको एक नव जीवन देने का सहारा है, चाहे वो ताइची हो चाहे योग हो। योग हिंदुस्तान की पहचान है, और इस पहचान से दुनिया की असली जान पहचान कराने के लिए मोदी ने जी तोड़ कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मुद्दे को उठाया, और आखिरकार उनकी कोशिश से 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बड़ा रोमांच था, दोनों प्रधानमंत्री योग के बारे में बोल रहे थे और ताइची के बारे में बोल रहे थे। ऐसा लगता है कि दोनों जैसे प्रैक्टिशनर हों काफी पुराने, जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे ऐसा लगता है सब नॉलेज है उनको योग और ताइची। बड़े जो विद्वान होते हैं योग के, उस तरह से मन और बुद्धि की बातें हो रही थी, तो बड़ा सुंदर लगा। बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन में चीनी प्रधानमंत्री ली किकियांग के साथ योग पर नई नजर पैदा करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच एक नई परंपरा का बीज डाल चुके थे। विवादित मुद्दों को पीछे खिसकाकर विकास के लिए 24 नए मंत्रों के साथ दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर का करार हुआ। इनमें 6 अहम मुद्दे हैं। पहला ये है कि दोनों देशों के बीच नए वाणिज्य दूतावास खोलने और कुछ को अपग्रेड करने पर रजामंदी बन गई। दूसरा ये कि वोकेशनल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तीसरा ये कि चीन का राष्ट्रीय रेल प्रशासन और भारत का रेल मंत्रालय मिलकर रेलवे सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे। चौथा ये कि कर्नाटक और सिंशुआ प्रांत के बीच सिस्टर स्टेट संबंध बढ़ाया जाएगा। पांचवा ये कि दोनों देशों के 3-3 बड़े शहर सिस्टर सिटी संबंधों से जुड़ेंगे। इनमें हैदराबाद और किंगडाओ, औरंगाबाद और दुनहुआंग, और चेन्नई और चोंगकिंग शहर शामिल है। और छठा अहम मुद्दा, चीन में योग कॉलेज खोलने पर रजामंदी हो गई है। We have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship
एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अवर पार्टनरशिप। भारत और चीन के बीच विवादों के साथ साथ सहयोग के भी कई विकल्प मौजूद हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में 24 सरकारी समझौतों पर नरेंद्र मोदी और ली कश्यांग की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। अब नजर बनी रहेगी शंघाई में होने वाले कारोबारी समझौतों पर। कूटनीति की लाल कालीन पर मोदी ने संभल कर अपने पांव बढ़ाए। वो जानते हैं कि चीन के साथ हिंदुस्तान का पुराना नाता धोखे और अविश्वास की तंग गलियों से न जाने कितनी बार गुजर चुका है, इसीलिए बीजिंग के सरकारी दफ्तर से निकलकर रिश्तों की नई मंजिल कभी शियान शहर में इतिहास के धरोहरों को बनाया तो बीजिंग में भविष्य की उम्मीदों को। अंजना ओम कश्यप के साथ राहुल कंवल, बीजिंग आज तक। सारा का सारा मामला भारत और चीन के बेहतर रिश्तों और दोस्ती से जुड़ा हुआ है, फ्रेंडशिप विथ इंडिया। 这个对我来说，可能我们第一次接受这个采访。भाषा हमेशा दिक्कत बन सकती है, लेकिन मुस्कुराहट कुछ और कहती है। लेकिन आस्था का योग देखिए कि तमाम भारतीयों को मानसरोवर की ओर खींचता है। मानसरोवर का नया रास्ता, नाथुला का ये पास अगर जून में खुल जाता है, ये रिश्तों में बेहतरी से मुमकिन हो पाया है, तो तमाम जो यात्री हैं उन्हें सिर्फ पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे, तब उनके जहन में ये बात साफ थी कि मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट पर चीन की मुहर लगवा लेनी है। द नाथुला रूट फॉर इंडियन पिलग्रिम्स टू विजिट कैलाश मानसरोवर विल बिकम ऑपरेशनल इन जून। आई वॉन्ट टू थैंक चाइना। सहमति उसी समय बन गई थी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। अब इस साल जून में ही मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रे का नया रूट खोल दिया जाएगा, जिसके बाद कठिनाइयों भरी ये यात्रा पैदल नहीं कार से भी तय की जा सकती है। पुराने रास्ते में दिल्ली से उत्तराखंड के काठ गोदाम होते हुए नारायण आश्रम तक यात्रा गाड़ी से पूरी की जाती है। इसके बाद की 150 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल होती है। यात्री लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में दाखिल होते हैं। इसके बाद तिब्बत के टकलाहोट होते हुए दिदिहाट होते हुए कैलाश तक पहुंचते हैं। अब नया रूट कुल 1981 किलोमीटर लंबा है। नए रूट में नाथुला तक पहुंचने के लिए सिक्किम से होकर जाना होगा। इसके लिए ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी जा सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटोक तक की दूरी 148 किलोमीटर है। गैंगटोक से नाथुला 55 किलोमीटर दूर है। बस या टैक्सी से सीधे नाथुला पहुंचा जा सकता है। इसके बाद चीन की सड़क से होते हुए टैक्सी या बस से सीधे मानसरोवर तक जा सकते हैं। 2.5 अरब आबादी वाले एशिया की दो बड़ी ताकतें, लेकिन इन दोनों देशों को सिर्फ इनके आर्थिक बाजार ही नहीं जोड़ते, बल्कि जोड़ते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक धागे भी। और इसी के तहत एक अहम पड़ाव है कैलाश मानसरोवर का। और जून में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वैकल्पिक रूट को खोला जाएगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि फिर दोनों देशों के लोग एक दूसरे से और जुड़ सकेंगे। मानसरोवर की कठिन यात्रा बीमारों और बुजुर्गों के लिहाज से खतरनाक रही है। मौजूदा रास्ते में 19,500 फुट की चढ़ाई शामिल है, लेकिन नए रास्ते में वाहन से यात्रा करने पर लोगों को परेशानी नहीं होगी। स्मिता शर्मा के साथ राहुल कंवल, बीजिंग आज तक। भारत में बुलेट ट्रेन चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है, और इस सपने को साकार करने के तरफ एक कदम उन्होंने बढ़ाया बीजिंग में। जी हाँ, चीन के साथ बुलेट ट्रेन लाने का सपना सच करने के लिए समझौता हुआ है। चीन के साथ रिश्तों की मंद चाल ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, भारतीय रेल की काया पलट का वादा किया था। बीजिंग में उसी वादे को पूरा करने के लिए मोदी ने कदम बढ़ाया। जब समझौतों की फाइल पर दस्तखत किए गए तो उनमें भारत में ट्रेनों के सुस्त चाल को तेज रफ्तार बनाने का मसौदा भी दर्ज था। पार्टनरशिप इन मॉडर्नाइजिंग इंडियन रेलवे
two Chinese industrial parks in India, commitments of $20 billion in investments into India, our the next 5 years partnership in our Make in India mission, that is the shape of our future. फिलहाल भारत में बुलेट मोटरसाइकिल ही दौड़ सकती है, बुलेट ट्रेन तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन चीन के साथ फिलहाल चेन्नई बैंगलोर मैसूर रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर समझौता हुआ है। दिल्ली नागपुर रेल मार्ग पर भी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का अध्ययन होगा। इसके अलावा भुवनेश्वर और बायप्पन हल्ली के बीच स्टेशनों को विकसित करने पर करार हुआ है। नरेंद्र मोदी विकास मंत्र से देश जीते थे, अब उसी वादे को निभाने के लिए निवेश यात्राओं पर है। लेकिन हमारे देश की मौजूदा रेल व्यवस्था चीन से शताब्दियों पीछे लगती है, जबकि आजादी के समय तक भारत रेल नेटवर्क में चीन से काफी आगे था। आजादी के वक्त भारतीय रेलवे 54,000 किलोमीटर लंबी थी, जबकि चीनी रेलवे उस वक्त केवल 27,000 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक चीनी रेलवे 4 गुना बड़ी हो गई है, जबकि भारतीय रेलवे में केवल 11,000 अतिरिक्त किलोमीटर का ट्रैक बिछा है। 19वीं शताब्दी के आखिर में भारतीय रेलवे अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक बिछा रही थी, यहाँ तक कि बर्मा के जरिए चीन तक एक रेल लाइन बिछाने की बात चल रही थी। लेकिन अब चीनी रेलवे भारत से कोसों आगे निकल गया है और भारतीय रेलवे की स्थिति पहले से बहुत बिगड़ गई। फिलहाल शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में घूम रही भारत की जनता को यदि बुलेट ट्रेन मिलती है तो लंबी यात्रा चंद घंटों में सिमट जाएगी। बुलेट ट्रेन से मुंबई का 16 घंटे का सफर महज 5 घंटे में तय होगा, दिल्ली से चेन्नई 28 घंटे का सफर 7 घंटे में तय होगा, दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में 17 नहीं महज 5 घंटे लगेंगे। लेकिन फासले कम करने के लिए सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी आएगा। बीजिंग में अंजना ओम कश्यप के साथ राहुल कवल, शियान आज तक। 24 मुद्दों पर कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग के बीच 24 मुद्दों पर समझौता हुआ, लेकिन कई ऐसे मुद्दों पर आज भी सवालिया निशान लगा हुआ है, जिनकी वजह से अविश्वास दोनों देशों पर मंडराता है। चाहे वो सीमा विवाद का मुद्दा हो, स्टेपल्ड वीजा का मुद्दा हो, या फिर पीओके में चीन की दखल। पीओके में चीनी दखल, नथी वीजा, नदी विवाद, ये वो सवाल हैं जो बीजिंग के सत्ता कॉरिडोर में घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा कर रहे थे। चीन के साथ सुधरते रिश्ते के बीच बुनियादी सवाल यही है कि कब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खत्म होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने चीनी हुक्मरानों के सामने ये सवाल रखा जरूर। We must try to settle the boundary question quickly. We both recognize that this is history legacy. Resolving it is our shared responsibility to the future. We must move ahead with new purpose and determination. The solution we choose should do more than settle the boundary question. भारत के साथ 10 अरब डॉलर का कारोबार करने से पहले ही चीन पाकिस्तान के साथ 46 अरब डॉलर का सौदा कर चुका है। दरअसल ये सौदा उस आर्थिक कॉरिडोर के लिए है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। फिलहाल भारत ने चीन के सामने इस सवाल को उठाया नहीं। पीओके में चीन के इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या इसका कहीं जिक्र हुआ? चीन ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए स्टेपल्ड वीजा का प्रावधान करके भारत की एकता पर सवाल उठाया। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर उसने पूर्वोत्तर में भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिस पे कोई बात नहीं हुई। स्मिता शर्मा के साथ राहुल कमल, बीजिंग आज तक। गर्मजोशी अगर पैमाना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चीन यात्रा सफल रही है। यहाँ के अखबारों में मोदी का चेहरा आज सुर्खियों में छाया रहा, तो दूसरी तरफ लोगों की पसंद के रूप में आज तक देखा। आध्यात्म, इतिहास, योग और साझा संस्कृति की बुनियाद पर चल रही इस निवेश यात्रा के तमाम पहलुओं पर भारतीय मीडिया की नजर है
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की बढ़ती नजदीकियों पर चीनी मीडिया भी निगाह जमाए हैं। ये दिखाते हैं चाइना डेली, यहाँ का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है। चीयर्स फॉर मोदी रिफ्लेक्ट क्लोजर लिंक्स, यानी जिस तरह से सड़कों पर मोदी के लिए वेलकम की आवाज हो रही थी उससे बेहतर हो सकते हैं रिश्ते। चीनी मीडिया अपने नजरिए से इस दौरे को देख रहा है और चीन के लोग हिंदुस्तान के नजरिए से आज तक चैनल पर इस दौरे को देख रहे हैं। आज तक पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत दिलचस्प है, चीन में पहुंचकर यहाँ पर मीडिया सेंटर में आज तक की हम विशेष पेशकश लगातार देख रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस बीच तमाम इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद। इस यात्रा में सीमा विवाद, निजी हितों के टकराव के मुद्दे तो नहीं उठे, लेकिन दोनों देशों की ओर से बढ़ रहे छोटे छोटे कारोबारी कदम आपसी तालमेल और विश्वास की नई इबारत लिख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ राहुल कवल, बीजिंग आज तक। दोनों देशों के रिश्तों में अगर शक की दीवार एक सच्चाई है तो बुनियाद उम्मीद को बनाया जा सकता है। चीन के बीजिंग से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।